तेतली पंचायत के सारी जनता से मेरा यही आग्रह है, पुनः एक बार हमको मौका दिया जाए और हमारे हमसे जो त्रुटि हुई हो कृपया उसको क्षमा कर दिया जाएगा। और मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार और हमको मौका दिया जाए ताकि मैं अपने सेवा आप लोगों को कर सकूँ। नामांकन हुआ है, जीतने के बाद से आपका पहला काम क्या होगा? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। 2016 में जनता ने हमको काफ़ी वोटों से जिताने का काम किया। हमने अपने पूर्ण ईमानदारी से लगकर अपने पंचायत का सेवा किया है, फिर आज हमने अपना नामिनेशन किया है। और जिस ढंग से हमने पिछले बार जो सेवा का मौका मिला, जितनी ईमानदारी से हम सेवा किए हैं, आने वाला अगर मौका हम ही को मिलता है तो हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने पंचायत की जनता की सेवा करूंगा। और अपने पंचायत की जनता से आग्रह करता हूं कि एक बार हमको और सेवा का मौका दिया जाए और जो भी बचे खुचे काम पड़े हुए हैं दोबारा हमको अगर मौका मिलता है तो मैं सारे काम को पूरा करने का प्रयास करूँगा। तेतली पंचायत के सारी जनता से मेरा यही आग्रह है, पुनः एक बार हमको मौका दिया जाए और हमारे हमसे जो त्रुटि हुई हो कृपया उसको क्षमा कर दिया जाएगा। और मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार और हमको मौका दिया जाए ताकि मैं अपने सेवा आप लोगों को कर सकूँ। आप नामांकन से पहले अपने पंचायत में जनसंपर्क करते होंगे, लोगों से मुलाकात करते होंगे, क्या मिजाज था लोगों का? लोगों से मिलने के बाद तो हमको इतना संतुष्टि हो रहा है कि हमने जो सेवा किया है जनता का 5 साल में उसका प्रतिफल लग रहा है कि हमको मिल रहा है। और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं काफ़ी अपने पंचायत के जनता से खुश हूँ कि हमने जो सेवा किया है उसका श्रेय हमको मिल रहा है, आगे भी लोग देंगे हमको। काफ़ी उम्मीद जीत के लिए पूरी आश्वस्त हैं? पूरी आश्वस्त हैं, 100% आश्वस्त हैं, चूँकि हमने जो ईमानदारी से सेवा किया है हम अपने आप में संतुष्ट हैं कि हमारी जनता हमारे साथ है। आपका परिचय? हरजीत मांझी, मुखिया पति, ग्राम पंचायत राय तेतहली। आज हरजीत मांझी की पत्नी का नामांकन हुआ है, जो पहले इससे पहले वो मुखिया रह चुकी हैं, क्या इस बार लगता है कि उनको फिर से मौका मिलेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरी तरफ से बधाई है। और जहाँ तक बात है हरजीत भाई के पत्नी 5 साल मुखिया रह चुके हैं, आज हम उनके साथ उनके क्षेत्र पंचायत में उनके साथ घूमते हुए आए। उनके क्षेत्र की जनता की मुस्कुराहट देखकर हमें लगा कि निश्चित रूप से हरजीत मुखिया की पत्नी का सेवा अच्छा रहा है और उसका प्रतिफल आज देखने को भी मिल रहा था। सब लोग आने के लिए उत्सुक थे, आग्रह करके इन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि नहीं आप लोग रहिए, हम लोग जाकर नॉमिनेशन करके आते हैं और केवल एक बार पुनः वोट दे करके मुखिया बनाइए, जो काम छूटा होगा वो पूरा करेंगे, मेरे सामने उन्होंने वादा किया जी। आपका परिचय? जी, मैं माधव सिंह, पूर्व जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 19।